हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप 10,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि भाई 10,000 के ऊपर में वीडियो बनाओ, तो फाइनली दोस्तों आपके डिमांडिंग पे हमने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन बताएंगे जो 10,000 के प्राइस रेंज में काफी धांसू फीचर के साथ मिल जाएगा। और आपको तो पता ही है कि इस प्राइस रेंज में काफी सारा फोन आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन हमने केवल 5 ही ऐसे स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जो कि 10,000 के प्राइस रेंज में काफी धांसू फीचर के साथ मिल जाएगा। अगर आप इनमें से किसी भी फोन को लेते हैं तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा, इसलिए वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे लिस्ट का 5वां फोन आता है मोटो की तरफ से मोटोरोला E40। 10,000 के अंदर में ये फोन भी जो है ना काफी धांसू फीचर के साथ आता है। सभी फीचर तो इस फोन में आपको अच्छा मिलेगा ही, सबसे अच्छा बात है कि ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है। इस फोन में आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स दिखेगा नहीं। तो फिर चलिए एक नजर डालते हैं इनका फीचर पे। इस फोन का वेट 198 ग्राम है जो कि ठीक ठाक ही है, और 9.1 mm का थिकनेस है। थिकनेस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप 2 सिम तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये तो था खैर इस फोन का बेसिक फीचर। वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ, और 450 nits का ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्प्ले इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस काफी आनंद भी आएगा। और बात करते हैं इस फोन का रिफ्रेश रेट का, तो 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि काफी अच्छा है। अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर तथा बैटरी का, तो यूनिसोक T700 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टाकोर के साथ, और ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा प्रोसेसर है। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिसको चार्ज करने के लिए 10W का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हम बोलेंगे चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी भी इस फोन का ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मैन कैमरा 48MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 8MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए, यह फोन केवल एक ही वेरिएंट में आता है, और इस फोन को लेने के लिए आपको 9,999 रुपये देना होगा, यानी कि नेट 10,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको क्लीन UI वाला एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो यह फोन आपके लिए काफी बेस्ट होगा, और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। अगर आपको यह फोन पसंद नहीं है तो इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में बचा हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। हमारे लिस्ट का 4th फोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F12। ये फोन जो है ना 10,000 के अंदर में आपको काफी कमाल फीचर के साथ मिल जाएगा। अगर आपको 10,000 के अंदर में एक अच्छा सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा फोन आपको नहीं मिलेगा। प्राइस के हिसाब से इस फोन में सभी फीचर काफी खतरनाक लेवल का दिया गया है। जब इस फोन का फीचर को एक्सप्लेन करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये फोन कैसा फोन है। तो फिर चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं इस फोन का फीचर को। यह फोन आपको थोड़ा बहुत भारी महसूस करा सकता है क्योंकि इस फोन का वेट 221 ग्राम है। आपको बताते चले कि भारी होने का सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें 6000mAh का बैटरी दिया गया है, और 9.7mm का थिकनेस है। थिकनेस भी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फोन जो है ना काफी अच्छा फोन है। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया गया है जिससे आप 2 सिम तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं, और इसमें साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। ये तो था खैर इस फोन का बेसिक फीचर। वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। फुल HD+ नहीं है, केवल HD+ है, वैसे भी काफी अच्छा डिस्प्ले है। अब बात करते हैं इस फोन का रिफ्रेश रेट का, तो 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, और स्मूथनेस भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। इस फोन में आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मैन कैमरा 48MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 8MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर।
कैमरा भी इस फोन का काफी लाजवाब का है। कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो एक जीनोस 850 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये चिपसेट 8 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो 5000mAh का नहीं बल्कि 6000mAh का बैटरी भी नहीं बल्कि एक बड़ा बैटरा दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 15 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हम बोलेंगे चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज कर पाएंगे। बैटरी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, बैटरी से इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छा खासा बैकअप आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 512GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 9499 रुपया देना होगा, यानी कि ये फोन आपको 9500 में मिल जाएगा। ये फोन आपको 9500 में कब मिलेगा, जब फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा होगा तभी आपको 9500 में मिल जाएगा। अदरवाइज जब सेल खत्म हो जाता है तो इस फोन का प्राइस 10500 रुपया आपको पड़ेगा। और देखिएगा तो बराबर सेल चलता ही रहता है, अगर आप उसमें खरीदते हैं तो आराम से 9500 में मिल जाएगा। काफी अच्छा फोन है, अगर आपको 10000 के अंदर में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए सैमसंग का, तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट होगा। और आपको बताते चले कि इससे भी अच्छा अच्छा फोन अभी हमारे लिस्ट में बचा हुआ है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। हमारे लिस्ट का तीसरा फोन आता है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स इन नॉट वन। ये फोन जो है ना 10000 के अंदर में काफी तगड़ा फीचर के साथ आता है। अगर आप किसी भी यूट्यूबर से पूछने जाइएगा 10000 के अंदर में अच्छा फोन बताने के लिए, तो उनमें से मैक्सिमम लोग आपको माइक्रोमैक्स इन नॉट वन के बारे में बताएगा। प्लस काफी अच्छा फोन भी, अगर आप इसको लेते हैं तो आपको बाद में पछताना भी नहीं होगा। खैर ये सब बात तो होता ही रहता है, एक नजर डालते हैं इनका फीचर पे। इस फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप दो सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। 3.5mm वाला हेडफोन जैक दिया गया है, और ये फोन एंड्रॉइड 10 के साथ आता है। अब देखिए अपडेट मिलता है कि नहीं, कंफ्यूजन में है। और हाँ, ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तरियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। और इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 196 ग्राम है। 8.9mm का थिकनेस है, थिकनेस भी ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर का। MediaTek Helio G85 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। बैटरी भी इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, बैटरी से इस फोन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन में भी आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 48MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 16MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है, कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इस फोन का डिस्प्ले का। 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। डिस्प्ले भी इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस काफी आनंद आएगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 9999 रुपया देना होगा अभी के टाइम में। जब सेल ऑफर चलता है तो इस फोन का प्राइस 9000-9500 रुपया हो जाता है। अब आपको डिसाइड करना होगा, वेट करना चाहिए या फिर इसी प्राइस में खरीद लेना चाहिए। अगर आपको 10000 के अंदर में एक अच्छा धांसू स्मार्टफोन चाहिए, तो ये फोन भी आपके लिए काफी बेस्ट होगा। प्लस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोन को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। हमारे लिस्ट का सेकंड नंबर पे आता है Redmi की तरफ से Redmi 10। ये फोन जो है ना रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और काफी खतरनाक फीचर के साथ आता है। आप ये समझिए कि ये तो लॉन्च हो गया है, लेकिन इसका सेलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। आप हमारी वीडियो को कब देख रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन ये 6 अप्रैल से इस फोन का सेलिंग स्टार्ट होगा फ्लिपकार्ट से, ठीक है। अगर आप इस फोन को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो 6 तारीख के बाद खरीद पाएंगे। खैर एक नजर डालते हैं अब इनका फीचर पे। इस फोन का वेट 203 ग्राम है, जो कि नॉर्मल ही है। 9.1mm का थिकनेस है, थिकनेस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप दो 4G सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तरियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में भी। अब वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का।
6.7 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ, और नॉर्मल 60 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में काफी आनंद आएगा। और आपको पता ही है कि गेमिंग करने के लिए एक पावरफुल प्रोसेसर भी होना चाहिए। अब देखते हैं इस फोन में कौन सा प्रोसेसर है। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये चिपसेट 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और 6 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है तो थोड़ा मोरा बैटरी का भी बचत होगा। अब बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का, तो यहाँ पे 5000 mAh का नहीं बल्कि 6000 mAh का बड़ा बैटरा दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 18 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर भी हम बोलेंगे चार्जिंग में थोड़ा मोरा समय ले सकता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज कर पाएंगे, इसलिए इस फोन का बैटरी काफी अच्छा दिया गया है। बैटरी से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा, भले ही चार्जिंग में थोड़ा मोरा समय ले, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा या क्वाड कैमरा नहीं मिलेगा, यानी कि डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए 4GB रैम तथा 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 10,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 11,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर इस फोन में आप ऑफर लगाते हैं तो आराम से 10,000 के अंदर में मिल जाएगा। अगर आपको 10,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट होगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी खतरनाक लेवल का दिया गया है। अगर आप इस फोन को भी लेते हैं तो आपको बाद में पछतावा नहीं होगा, वैल्यू फॉर मनी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का सबसे बेस्ट फोन का। हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नोट 11। इस फोन को नंबर एक पर रखने का काफी सारा रीजन है। पहली बात तो सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया ही है। उनमें से सबसे अच्छा बात है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत कम ही मिलता है, और काफी धांसू फीचर के साथ ये फोन आपको मिल जाएगा। जब इस फोन का फीचर को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि ये फोन कैसा फोन है। फिर चलिए एक नजर डालते हैं इनका फीचर पे। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप दो सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। 3.5 mm वाला जैक दिया गया है। इस फोन का वेट 184 ग्राम है, जो कि ठीक ठाक ही है, और 7.9 mm का थिकनेस है। यह फोन जो है ना काफी पतला प्लस स्लिम फोन दिखेगा। इस फोन का लुक डिजाइन जो है ना आपको काफी हद तक पसंद आएगा, और इसमें सिक्योरिटी के लिए साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर का। 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इस फोन का सबसे अच्छा बात है कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 750 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है, जिससे आपको सनलाइट या आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में काफी आनंद आएगा। प्लस एमोलेड डिस्प्ले है तो पिक्चर क्वालिटी अच्छा दिखेगा ही, इसके अलावा बैटरी का भी बचत करेगा। और 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। और आपको तो पता ही है कि गेमिंग के लिए एक पावरफुल प्रोसेसर भी होना चाहिए। अब देखते हैं इस फोन में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। MediaTek Helio G88 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और 2,15,000 के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन का स्कोर जो है ना काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो 5000 mAh का नॉर्मल बैटरी दिया गया है, जिसको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा, और आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। बैटरी से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी लाजवाब का दिया गया है। कैमरा से इस फोन में आपको कोई शिकायत नहीं होगा। आप अच्छा खासा इस फोन के कैमरा से फोटोज वीडियोज क्लिक कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो 4GB का
रैम 64 GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 512 GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए 4 GB रैम तथा 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 10,499 रुपया देना होगा अभी के टाइम में, यानी कि नेट 10,500 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आप ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो आराम से 10,000 के आसपास में मिल जाएगा। अगर आपको 10,000 के अंदर में एक अच्छा सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए काफी बेस्ट होगा। प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। बस इतना कह सकते हैं कि 5ों फोन 10,000 के अंदर में काफी अच्छा फीचर के साथ आता है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।